अब आपको दिखाते हैं हिमाचल से आई कहर की कुछ ऐसी तस्वीरें जो डरावनी है। बरसात के बाद हिमाचल में जो हालात बने हुए हैं उसे जानने के लिए तस्वीरें देखिए। तो जगह जगह लोग फंसे हुए हैं और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बरसात के बाद अब नदी नाले खड उफान पर आ गए हैं। आवाजाही में लोगों को भारी परेशानियां पेश आ रही है क्योंकि सड़कें बह गई हैं। कुछ ऐसी सड़कें हैं जो इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं कि वाहन नहीं आ जा सकते हैं। राजगढ़ की ये तस्वीर आप देखिए, नदी नाले खड उफान पर हैं। लोगों को आवाजाही के लिए खड्डों को पार करना पड़ रहा है। पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा है, पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। इस वक्त तमाम सड़कें यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आवाजाही के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कुल्लू की, जहाँ पर तबाही आई और अपने साथ यहाँ पर सड़कें और पुल बहा ले गई। कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक फंसे हुए थे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पर्यटकों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर आवाजाही बहाल नहीं हो पाई है। बड़ी बात ये भी है कि तबाही का ये मंजर है कि भले ही जलजला आकर निकल गया हो, लेकिन अभी न बिजली की व्यवस्था हो पा रही है, न पानी की व्यवस्था हो पा रही है। लोगों को भारी परेशानियां पेश आ रही है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देखिए, ठंड यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ रही है और इसी बीच अब जो हालात यहाँ पर बन रहे हैं, जिस तरह से जलजला आया है, अचानक से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, उसके बाद यहाँ से बड़ी संख्या में पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन हालात यहाँ पर यही है कि बिजली पानी की व्यवस्था चरमरा गई है, आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, रास्ते बंद पड़े हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से नुकसान का आकलन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जलजला आया, जिस तरह से तूफान आया, उसके बाद देखा ये गया कि लोगों को भारी परेशानियां पेश आ रही है, रास्ते बंद हो गए हैं। और यहाँ पर दौरा करने के लिए विक्रमादित्य सिंह पहुंचे, विक्रमादित्य सिंह के साथ प्रतिभा सिंह पहुंची, लोगों से उन्होंने बातचीत की है, हालात का जायजा लिया है और लोगों ने बताया है कि अभी क्या परेशानी पेश आ रही है और किस तरह से भारी बरसात के बाद नदी नाले उफान पर आ गए और कितना नुकसान हुआ है, ये पूरा आकलन किया है विक्रमादित्य सिंह ने, प्रतिभा सिंह ने। इस मौके पर लोग रोते बिलखते अपनी व्यथा सुनाते भी नजर आए। ये कुल्लू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए रास्तों को बहाल करने का प्रयास जारी है, वो पर्यटक जो फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया है। भूस्खलन भी हुआ है और भूस्खलन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजगढ़ से कई ऐसे मकान हैं जिनका आधा किनारा बह गया है और कई ऐसे मकान हैं जो भूस्खलन के बिल्कुल किनारे पर आ गए हैं। अब अगर भूस्खलन होता है तो और ज्यादा मकानों को क्षति पहुंच सकती है। नदी नाले उफान पर है, इसी बीच भारी भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, सड़कें पूरी तरह से टूट गई है, आवाजाही के लिए रास्ते बचे नहीं गए। हालांकि देखिए लगातार प्रयास ही किया जा रहा है कि आवाजाही बहाल की जाए, मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन भूस्खलन के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसमें देखा गया है कि बड़ी संख्या में लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई घर ऐसे हैं जो अभी खतरे के बेहद करीब है। बिलासपुर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर देखिए ऐसे लोग जो यहाँ फंस गए हैं, उनके भोजन की व्यवस्थाएं की गई है। बिलासपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह जलजला आया, तूफान आया, उसके बाद बड़ी संख्या में पर्यटक जगह जगह फंस गए हैं, लोग जगह जगह फंस गए हैं। अब उनकी मदद की जा रही है, उन्हें खाने पीने की चीजें दी जा रही है। वहीं रास्ते में जो लोग गाड़ियों में फंसे हैं उन्हें खाने पीने का सामान दिया जा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा है। हमीरपुर की तस्वीरें आप देखिए, अब टैंकर से पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, बिजली और पानी की पूरी व्यवस्थाएं इस जलजले के बाद बर्बाद हो गई है। लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है, इसलिए अब पानी की व्यवस्था की जा रही है टैंकर के जरिए। किन्नौर की तस्वीरें आप देखिए, किन्नौर में लोगों को रेस्क्यू किया गया है, एयरफोर्स के विमानों के जरिए यहां पहुंचे हुए पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर फंस गए थे क्योंकि सड़कें तमाम बंद हो गई थी, नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में सेना उतरी है बचाव के लिए, राहत बचाव कार्य चल रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से एक बार जलजला आया, जलजला आकर निकल गया, लेकिन अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ के आके पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। किन्नौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब रास्तों को बहाल किया जा रहा है, पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है, तो वहीं ऐसे लोग जो फंस गए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं की जा रही है। सरकार की तरफ से अब लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। बिजली पानी की व्यवस्थाएं चरमरा गई है, बताया जाता है कि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान का आकलन होना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। कई जगहों पर पर्यटक फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है।
जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनजीवन को पटरी में आने पर अभी समय लगेगा, जनजीवन फिर पटरी पर आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि व्यवस्थाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, कई सड़कें बह गई हैं, कई सड़कें टूट गई हैं। तो वहीं बरसात के इस मौसम में ना केवल पानी बल्कि धरती भी एक तरह से जलजला बन गई है क्योंकि कई जगहों पर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रखे हैं, कई जगहों पर मलबा सड़कों पर आ गिरा है। सड़कों से मलबा हटेगा फिर से रास्ते खुलेंगे और लगातार इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। कुल्लू की आप देख रहे हैं तस्वीरें।